तो राम राम सभी भाइयों को। आई होप सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। भाइयों आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा घूमने का प्रोग्राम बना है, तो हम लोग माता रानी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। माँ मुंडेश्वरी देवी जो कि बिहार में पड़ती हैं, जानवी जा रही हैं, वाइफ जा रही हैं, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है तो वो भी आज मेरे साथ चलेगा, वो और उसकी वाइफ वो भी चल रहे हैं, तो सारे फ्रेंड लोग हैं लगभग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा और रास्ते का नज़ारा लेते हैं, जो भी दिन में करेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा देखिए। चलिए आज मिलते हैं आगे। अब ये पुल जो बना हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, ये गंगा जी के ऊपर पुल बना है। अगल बगल अब तार का वो बांध दिया गया क्योंकि यहाँ पे लोग ये रामनगर किला, देखो यही किला है, ये वाला ये रामनगर का राजाओं का किला, अब इसकी स्थिति एकदम जर्जर हो गई। फाइनली हम लोग अब हाईवे के ऊपर आ गए हैं जो कि बनारस से बिहार के लिए जाता है, ये हाईवे बिहार से कलकत्ता तक के लिए जाता है। तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, अब देखते हैं रास्ते का नज़ारा और चलिए दिखाते हैं आगे, जो भी दिखता है आपको दिखाते हैं। तो कह रहे कि हम नहीं गए थे, टंकी ना करो भाई। रास्ते में हम लोग चल रहे थे, पोहे तो तेल डलवा लिया जा, ये अपना भाई, आज भाई का बर्थडे था, सब लोग हैप्पी बर्थडे से भर देना पूरे कमेंट बॉक्स को, ठीक है। दीपक रहना तुम्हें माँ मुंडेश्वरी देवी का ये द्वार है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था माँ मुंडेश्वरी देवी का। तुम कर सकते हो, चलिए अंदर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए माँ के दरबार में पहुँचते हैं। इसको भी ले लो। फाइनली यहाँ से 10 किलो माता का मंदिर, 10 किलोमीटर माता का मंदिर है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं आगे क्या है। हम भी पहली यार दूसरी बार जा रहे हैं, कट कर देना वहाँ भी चाहिए ना, भर जाएगा। से माता मंदिर के मंदिर का चढ़ाई है देख पा रहे हैं आप लोग, चलिए वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसी चढ़ाई है। पार्टी रास्ते में है, तो फोन किया है रास्ते में, पार्टी आ रही है, आएगी तो दे देंगे, ठीक है। और बताओ क्या हो रहा है, टीवी देख रही हो, क्या देख रही हो टीवी। हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से देखिए काफी ऊंचाई पे धुंधला, इससे साफ दिख भी नहीं रहा जो भी, चलिए लेके चलते हैं। चल रहे हम लोग दर्शन करने, काफी लंबा जाना है,
नहीं बेटा मंदिर के पास आ गए हैं। तो ही प्रसादी ले रहे हैं। दीपक ले लो, दो ले लो। अब बड़ा चुनरी के लिए बोल रहे थे, दो प्रसादी है हम लोग का। ठीक है, प्रसादी लेके अब चलते हैं सीधा ऊपर माता जी का दर्शन करने। फाइनली प्रसादी और शादी ले लिया गया है, चल रहे हैं ऊपर। ये देखिए चढ़ाई है पूरी। ठीक है, ये मंदिर का द्वार है, यहाँ से स्टार्ट है सीढ़ियाँ, यहाँ तक तो कार आती है, इसके आगे सीढ़ी से जाना है। चलिए माता रानी के मंदिर चलो, माता रानी के दर्शन करने। ठीक है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई अब देख पा रहे होंगे। ये इतनी सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ना है, इसके नीचे से भी सीढ़ी है, जो लोग कार से नहीं आते पैदल आते हैं सीढ़ी चढ़ के, जिसकी कार है वो डायरेक्ट ऊपर आ जाती है। माता रानी के मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। काफी ऊंचाई पे माता रानी का मंदिर है। माता मंगेश्वरी देवी का मंदिर है, देख पा रहे हैं आप लोग पीछे से। ठीक है, ये भीड़ बहुत होती भाई, यहाँ पे देखिए ये जाह्नवी जो है माता रानी को दिया चढ़ा रही है। काफी भीड़ है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, भीड़ की तो कोई सीमा ही नहीं है। माता रानी का मंदिर आप लोगों को दर्शन करा देते हैं यहाँ से। काफी पुराना मंदिर है भाई, देख रहा हूँ इसे भी मुगलों के द्वारा तोड़ा गया है ऊपर का, जहाँ पे थे वहाँ पे आक्रांता कुछ न कुछ गड़बड़ करके ही गए हैं। किसी का अगर जमीर मिटाना तो उसकी संस्कृति मिटा दो, उसका जमीर मिट जाता है, तो वही मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन कितना मिटाया कोई जब ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब भीड़ देख लीजिए यहाँ पे, उनके मिटाने से कुछ नहीं होता, जब तक महादेव नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये है पूरा भीड़, इधर भी देखिए भीड़ का नज़ारा। ठीक है, ये माता रानी अगल बगल का ये नज़ारा है, देखिए ये मंदिर बगल में चल रहा है साथ में, ये देखिए इसका पूरा परिक्रमा लोग करते हैं, आपको पूरा दिखा रहे हैं, जितना दिखा पा रहे उतना दिखाते हैं, सब लोग अपना फोटो तो ले रहे हैं। ये माता रानी के बगल में देख पा रहे हूँ सब नज़ारा है। ठीक है, माँ मुंडेश्वरी देवी है, यहाँ से भीड़ देख पा रहे हैं, पूरा भीड़ है जैसा। ये बैठने उठने का स्टैंड भी देखिए सेट बना हुआ है। माता का भव्य मंदिर, ये
काफी भीड़ हो रही है भाई, निकासी द्वार है, जूम करके हो सके अंदर कुछ दिखे तो दिखाए आप लोगों को। पंचमुखी माता जी है, साफ नहीं आ रहा। अपना नारियल फोड़ना ना, अपना नारियल तो अपन तुम फोड़ो रुको टुको, चलो चलो नारियल फोड़ो। हे माता रानी, दो दिन को काम करवाए दर्शन कर लिया, नारियल वाले सब फोड़ लिया गया है, ठीक है। मंदिर परिसर के अंदर नारियल फोड़ना जरूरी नहीं है, मतलब फोड़ना मना है, उसके सामने ये बना हुआ यहाँ फोड़ सकते हैं। राधा प्रसन्नम अखिलेश्वरी विनाशनम। जिसका नारियल टूट गया, रक्षा सूत्र सभी लोग बंधवा के टीका लगा के तब जाइए। अच्छा लग रहा है, कोड़ा है पानी ये मंदिर भाइयों काफी ऊंचाई पे, आप लोग देख पा रहे हो ग्राउंड कहाँ पे है और मंदिर किस जगह पे है, काफी ऊंचाई। चलो 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 नीचे, ठीक है ठीक ओके। काली माता रानी का दर्शन हो गया अच्छे से, अब चल रहे हैं कुछ खाना पीना खा जाएगा। यहाँ पे मान्यता है कि लोग जो आते हैं अपना ईंटे से अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जा रहे हैं, मेरी वाइफ और भाभी हैं, दोनों लोग जा रही हैं वो बनाने मकान, दूसरे लोग आए कोई नहीं। दूसरे का नहीं बिगाड़ बना जा, ऐसे ही बना, किसी का तोड़ोगे तभी अपना बड़ा बना, जल्दी बना, टाइम नहीं है। चलो ये अपना घर बन गया, यहाँ पे भी लोग पत्थर से लोग घर बनाते हैं यहाँ पे। अभी सब बैठिए ना, ठीक है, अपने घर में हाथ लगा दीजिए। हो गया लगा लो पैसे उन्होंने, दर्शन करके और हम नीचे उतर रहे हैं पहाड़ से। 700 है, फाइनली भाइयों दर्शन हो गए हैं और हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। तो वीडियो इतनी थी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद जय भारत। और आपको मुंडेश्वरी देवी का मंदिर कैसा लगा और मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद जय भारत।